हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तथास्तु शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, बेसिकली पांच टिप्स मैं आप लोगों को दूंगा अगर आप इजी शिप सेलर हैं। मैं जब इजी शिप सेलर था, अब मैं सेलर फुलफिल प्राइम हूँ और एफबी भी करता हूँ। सो गाइज, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो पांच टिप्स जिसने मेरी हेल्प की है और आपकी भी हेल्प कर सकता है अगर आप एक इजी शिप सेलर हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप गाइस, अगर आप इजी शिप सेलर हैं तो आप एक काम कीजिए, आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर से शिपिंग चार्ज हटा दीजिए और अपने प्रोडक्ट को फ्री शिपिंग में रखें। यस, आपके प्रोडक्ट को अगर कोई ओपन करता है, ओके, अगर आपके प्रोडक्ट को ओपन करता है और ओपन करने के बाद आपको दिखता है कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर कोई शिपिंग चार्ज है, अगर किसी बायर को ये दिखता है कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर शिपिंग चार्ज हो रही है, तो उसका मूड कैंसिल हो जाता है। नो मैटर आपके प्रोडक्ट्स पे कितने भी क्लिक्स मिल रहे हो, आपके प्रोडक्ट को कोई कितना भी देख रहा हो, लेकिन अगर आप शिपिंग चार्ज कर रहे हैं तो उसके चांसेस जो हैं कम हो जाते हैं कि बायर उसे परचेस करेगा और आपको जो है उतनी सेल नहीं मिलती है। तो हमेशा फ्री शिपिंग रखें। टिप नंबर टू, अपना जो हैंडलिंग टाइम है उसको कम रखें। मतलब आपको अगर कोई काम है, कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, तभी आप उसके अंदर हैंडलिंग टाइम बढ़ा के उस काम को करिए। अदरवाइज आप कोशिश करिए कि आप उसे जीरो रखिए, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट डे प्रोडक्ट को शिप करेंगे तो वो जल्दी कस्टमर को मिलेगा, और अगर जल्दी कस्टमर को मिलेगा तो जो कस्टमर एक्सपीरियंस है और जो अमेज़न की एल्गोरिदम है वो आपके प्रोडक्ट को और पुश करेगा और आपको और सेल्स देगा। टिप नंबर थ्री गाइस, ध्यान से सुनेगा, शिपिंग सेटिंग्स में जाके जो 7 days वीक होता है, अगर आपने संडे मार्क छुट्टी कर रखा है तो उसे छुट्टी मत रखिए। अगर आप इजी शिप सेलर हैं, एक दिन अगर आपका स्टाफ छुट्टी पे है और एक दिन अगर आपको प्रोसेस करना पड़े, या आप किसी स्टाफ को ऐसा कर दीजिए कि संडे के दिन किसी को आने के लिए बोलिए और आप जो है मंडे के दिन किसी और स्टाफ को छुट्टी दे दीजिए और संडे वाले को मंडे के दिन, ऐसा कुछ आप प्लान करके आप 7 days वीक आपका रखिए वर्किंग डेज। अगर आप ऐसा करते हैं तो अमेजोन की एल्गोरिदम आपके प्रोडक्ट्स को जो है पुश करेगी। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके कारण मेरे प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत सारे रिव्यूज आए हैं, चौथी टिप जो है वो ये है गाइज, कि मार्केट में सस्ते से सस्ती कोई चीज ढूंढिए। सस्ते से सस्ती ऐसे लाइक कोई रुमाल हो सकता है, कोई सॉक्स हो सकता है, या कोई हैंडबैंड हो सकता है, कुछ ऐसी चीज आप ढूंढिए और उसके साथ एक थैंक यू लेटर अपने कस्टमर को। फीडबैक नहीं मांगना है, रिव्यूज नहीं मांगना है, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक थैंक यू लेटर कि आपने हमारा प्रोडक्ट चूज किया उसके लिए थैंक यू, ये लिखकर एक अच्छे से थैंक यू लेटर के साथ उस गिफ्ट को अच्छे से एक मतलब ज्यादा आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बस उसको पैक करके छोटे से बैग में डाल के आप उसको डाल दीजिए। तो मैं आपको गारंटी देता हूं, एक तो कस्टमर का रिटर्न करने का मन बदल जाएगा और हो सकता है कि कस्टमर आपको अच्छा रिव्यू भी दे। और पांचवी टिप गाइस, ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इस पूरे उसमें से इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। आप इजी शिप के अंदर अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप सेल्फ शिप भी साथ में करें। जी हां दोस्तों, इजी शिप के ऊपर जो कस्टमर आते हैं वो कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑर्डर्स प्लेस करते हैं ज्यादातर, और सेल्फ शिप वाले पे जो आते हैं वो प्रीपेड ऑर्डर्स, सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स देते हैं। तो जब आपके प्रोडक्ट्स को ट्रैफिक मिलता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका कैटलॉग जो है वो ऊपर आता है। ऊपर आने से मतलब है, फॉर एग्जांपल कुर्तीज फॉर विमेन, बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी लिस्टेड हैं। अगर आपके ब्रांड के ऊपर क्लिक्स नहीं आएंगे, अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर सेशंस नहीं आएंगे, आपके स्टोर को लोग देखेंगे नहीं, तो अमेज़न के एल्गोरिदम उसे पुश नहीं करेगा। देखेंगे तभी तो सेल होगी तभी तो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ेगी तभी तो ऑर्डर्स आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स लाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है पुश करने के लिए आपको जो है सेल्फ शिप और इजी शिप दोनों एनेबल करना है। 7 days अ वीक फ्री गिफ्ट, फ्री शिपिंग और 0 हैंडलिंग टाइम, ये कर लीजिए। अगर आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल नहीं मिले
तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि कुछ नहीं हुआ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये पूरे YouTube पे किसी ने शेयर नहीं किया है। 5 इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसको आज ही अपना लीजिए और अपने प्रोडक्ट्स की सेल होते हुए और अपने स्टोर पे बहुत सारे ऑर्डर्स आते हुए देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर उनको भी ऑनलाइन सेलिंग में कुछ हेल्प चाहिए। आपने अपना कीमती समय इस वीडियो के लिए दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।